हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल एजिस प्रोफाइल। तो मैं फिर से एक अच्छा वाला वीडियो लेके मैं आपके सामने चले आया हूँ। तो आज मैं एक रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का एक रिव्यू, राइडिंग रिव्यू बनाने वाला हूँ। जो कि बाइक है, ये वाला बाइक देख सकते हो। तो ओमी भैया मुझे ये गाड़ी रिव्यू करने के लिए दिया, इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स टू हिम। और देख सकते हो भाई, मेरे सामने रॉयल एनफील्ड हंटर 350 ब्रांड न्यू बाइक। भाई ब्रांड न्यू बाइक है ये, तो देख सकते हो भाई पूरा खतरनाक लग रहा है भाई। सामने भाई 110 का जो टायर्स है, पीछे 140 का जो टायर्स, भाई खतरनाक लग रहा है। तो मैं थोड़ी देर इस गाड़ी को राइड करके मैं इस जगह पर आया हुआ हूँ। तो गाड़ी मुझे भाई बहुत ही अच्छा लगा, और सस्पेंशन की बात मैं अभी राइडिंग करते वक्त करूँगा। तो मैं एक बार गाड़ी का जो डिटेल्स में लुक मैं एक बार आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। गन मेटल जो ग्रे है गाड़ी में है, यहाँ पर जो स्ट्रिप दिया हुआ है ग्रीन कलर में, और हंटर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो भाई खतरनाक लग रहा है। पीछे का जो टेल लाइट देख सकते हैं भाई, पूरा भाई यूनिक वाला लुक। जो रॉयल एनफील्ड का जो खासियत होता है ना, रेट्रो टाइप, पूरा रेट्रो टाइप का जो गाड़ी का लुक दिया हुआ है इसमें। तो देख सकते हो सामने का सिचुएशन कुछ ऐसा है, अंदर LED में लिखा हुआ है R। तो देख सकते हो भाई गाड़ी का। तो चलो गाड़ी के बाद मीटर कंसोल आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं भाई। तो ये है मीटर कंसोल, एनालॉग विथ डिजिटल। तो भाई बहुत ही बढ़िया। तो चलो एक बार गाड़ी का जो साउंड सुन लेते हैं। तो भाई बिल्कुल भी बढ़िया वाला एक साउंड कर रहा है। आई थिंक ये बाइक राइड करने के टाइम और भी अच्छा साउंड करेगा। तो चलो फिलहाल गाड़ी को राइड करते हैं। भाई ये हंटर को मैं आज राइड करने वाला हूँ। तो देख सकते हो सीट का क्वालिटी, ऊपर भी लिखा हुआ है रॉयल एनफील्ड। तो भाई गाड़ी में मैं पहली बार बैठ रहा हूँ, गाड़ी तो वेट ही फील हो रहा है। तो देखा जाए राइड करते वक्त वेट फील होता है या नहीं। तो की को ऑन कर लेते हैं एक बार। लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हियर भाई। तो इसका स्विच गियर देख सकते हो, ये अभी किल स्विच है, इससे स्टार्ट होगा। ओ भाई खतरनाक भाई, एक जो वाइब्रेशन आ रहा है ना भाई, उससे ही पता चल रहा है भाई। गियर, फर्स्ट गियर देने के बाद जो क्लच छोड़ेंगे ना, गाड़ी फटाक से निकलेगा। तो चलो मिरर को सेट कर लेते हैं भाई। रेट्रो टाइप, वो भी राउंड वाला मिरर यहाँ पर दिया हुआ है। और क्लच भाई थोड़ा बहुत स्टिफ साइड पर है, क्योंकि भाई ये बाइक ना बिल्कुल भी नया बाइक है। ओडोमीटर में देख सकते हो सिर्फ 719 किलोमीटर ही गाड़ी चला हुआ है। तो फर्स्ट गियर डाउन। ओहो भाई, दिस इज अ मैड मशीन यार। रॉयल एनफील्ड इतना अच्छा बाइक बनाया ना यार भाई, जो नया वाला मॉडल से ना भाई, खतरनाक बनाया है, खतरनाक वाला है। तो एक बार देख लेते हैं माइक ठीक ठाक से काम कर रहा है या नहीं। तो चलो गाड़ी को एक बार बाईपास में चला के देखते हैं कैसा फील होता है। ओ भाई इसका जो लिबर्स है ना भाई, इतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है भाई, क्योंकि ये डिज़ाइन है कुछ डिफ़िकल्ट वाला डिज़ाइन है, जो कि पर्सनली मुझे पकड़ने में थोड़ा बहुत परेशानियाँ हो रहा है। तो भाई ब्रेक भाई खतरनाक ब्रेकिंग है गाड़ी का भाई। रॉयल एनफील्ड इतना अच्छा ब्रेकिंग बनाया ना भाई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ क्या क्या है इसमें। टाइम दिया हुआ है, गियर शिफ्टिंग दिया हुआ है, ओडो दिया हुआ है भाई, खतरनाक भाई खतरनाक। तो हियर वी गो।
सेकंड गियर भाई, ये तो मुझे पीछे धकेल रहा है यार। ओ भाई भाई, इसका जो पोजीशन है ना भाई, बहुत ही अच्छा वाला पोजीशन है। टूरिंग के लिए ये परफेक्ट बाइक हो सकता है भाई। कोई इसे टूर पे लेके जाए ना भाई, बहुत ही अच्छा होगा। और एक बहुत ही खास बात है कि भाई, ये बाइक ना भाई राइड करने के टाइम भाई वेट ही फील भी नहीं हो रहा है यार। इसका जो वेट है इतना, ये फील भी नहीं हो रहा है। इतना कंफर्टेबली मैं इसे चला रहा हूँ ना भाई, क्या बताऊँ। एक्सलरेशन भाई बटर स्मूथ एक्सलरेशन हो रहा है। और ब्रेक्स भाई, ब्रेक्स मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ही अच्छा। और पीछे का ब्रेक भाई, ओ भाई ओ भाई, मुझे तो भाई आरसी का याद आ रहा है भाई। इतना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है ना भाई पीछे का ब्रेक। और सामने का ब्रेक तो भाई 320 mm वाला जो डिस्क गया हुआ है, वो तो अच्छा काम करना ही चाहिए। और गाड़ी भाई अदर्स एनफील्ड बाइक के मुकाबले भाई बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। और गाड़ी अभी नया है, इसीलिए थोड़ा बहुत जो क्लच केबल्स वगैरह थोड़ा बहुत टाइट है। और जो ख़ास बात है इस गाड़ी में भाई, इसका जो फ्यूल टैंक देख सकते हो भाई, पूरा मेटालिक फ्यूल टैंक है ये। और भाई इसका जो सीट भाई बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट साइड पर है, ये थोड़ा अच्छा नहीं है टूरिंग के लिए, क्योंकि टूरिंग के वक्त इतना कंफर्टेबल सीट भाई थोड़ा बहुत दिक्कत करता है। और जो गाड़ी का भाई एग्जॉस्ट नोट भाई, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना भाई, क्या बताऊँ क्या बताऊँ भाई। तो चलो राइड करते हैं भाई। तो मुझे तो लग रहा है भाई, ये बाइक भाई वर्थ इट भाई, वर्थ इट। ये गाड़ी के ख़रीदना आज के डेट में भाई बहुत ही फ़ायदेजनक है, क्योंकि भाई मुझे तो लग रहा है भाई, इतना स्मूथ बाइक रॉयल एनफील्ड कभी बनाया होगा। तो फिर से मैं वेट कर रहा हूँ सिग्नल खोलने का। चलो हियर वी गो। तो चलो यहाँ पर रास्ता थोड़ा ख़राब है, तो इसीलिए एक बार सस्पेंशन चेक करके देख लेते हैं। ओ भाई साउंड तो बहुत ही बढ़िया भाई। ओ ओ ओ ओ भाई, सस्पेंशन तो भाई अच्छा काम कर रहा है भाई। मुझे लग रहा था कि भाई ये जो नया बाइक है सस्पेंशन थोड़ा बहुत स्टिफ होगा, पर नहीं, ये स्टिफ नहीं है बिल्कुल भी, ये सॉफ्टर साइड पर है। टर्निंग रेडियस भी बहुत ही अच्छा है भाई, और बहुत ही कम है। और गाड़ी घुमाने के टाइम भाई इतना वेट फील नहीं हो रहा है एकदम से भी। और फन टू राइड के लिए भी भाई ये बाइक बहुत ही परफेक्ट है। अभी मैं थोड़ा बहुत इसे चला रहा हूँ, तो भाई मेरे हाथ में ये ऑलमोस्ट सेट हो चुका है भाई। और इसका जो गियर रेशियो है ना भाई, बहुत ही लंबा है, बहुत ही लंबा। तो मेरे RTR की तरह भाई बार बार इसे गियर चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ रहा है भाई। ये बहुत ही एक अच्छा वाला चीज़ है रॉयल एनफील्ड के साथ। फिर से एक जैम। तो इस गाड़ी में और एक ख़ास बात है कि भाई गाड़ी का जो सीट हाइट है बहुत ही कम है। मेरा हाइट है 5.7, तो इसमें मैं आराम से दोनों पैर लेग डाउन कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है मुझे। तो आई थिंक जो लोग 5'2" या 5'5" के अंदर हो, तो आराम से इस गाड़ी को चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। और भाई देख सकते हो ट्रैफिक में मैनूवर बहुत ही अच्छी तरीके से मैं कर रहा हूँ इसे, और ये अच्छी तरीके से हो भी रहा है भाई। और इसका जो इंजन, मुझे अभी तक तो हीट का कोई इशू फील नहीं हो रहा है। तो कभी इसे लॉन्ग में लेके जाऊंगा तो हीट का इशू मैं आप लोगों को बता दूंगा। या भाई जब ये गाड़ी का ओनर कोई लॉन्ग रास्ते पे जाएगा, टूरिंग पे जाएगा, तो मैं उससे रिव्यू लेके मैं आप लोगों को दे दूंगा। पर भाई ऑफ रोडिंग में तो भाई अच्छा परफॉर्म करेगा भाई। इसका जो सस्पेंशन है ना भाई, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा। गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है यार, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। देख सकते हो मैं अभी 4th गियर पे हूँ भाई, बहुत ही आराम से भाई गाड़ी को क्रूज़ कर रहा हूँ भाई, 60 के आसपास स्पीड में। तो भाई बहुत ही अच्छा एक रिलायबल गाड़ी इंजन बनाया है रॉयल एनफील्ड ने। तो देख सकते हो भाई खतरनाक। ओफ एक्सलेटर देने पर जो भाई जो साउंड निकल है ना भाई पीछे से, वो एक भाई क्या बताऊँ, हार्ट रेट को बढ़ा देता है यार। जैसे कि भाई चलो गाड़ी को और खींचो। हॉर्न देख सकते हो, पुराना वाला वही हॉर्न जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा एकदम भी। ओ भाई क्या बताओ भाई, क्या बताओ, अच्छा लग रहा है भाई। रॉयल एनफील्ड में 350 जो नया वाला BS6 वाला मैं चलाया था, वो चला के मुझे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड फील हुआ। पर ये हंटर चला के भाई मुझे लग रहा है कि भाई अभी एक रॉयल एनफील्ड ख़रीदा जा सकता है, क्योंकि भाई अभी ये वर्थ इट हो चुका है। तो चलो अभी भाई के भाई को गाड़ी के देने के टाइम आ गया कि भाई मेरे लिए वेट कर रहा है भैया।
तो यहाँ से मैं लेफ्ट चला जाऊँगा। ओ भाई खतरनाक गाड़ी बनाया है भाई, खतरनाक गाड़ी बनाया है। तो भैया का एकदम ब्रांड न्यू वाला गाड़ी मुझे देने के लिए थैंक्स टू हिम। तो ऐसी तरह आप लोगों से सपोर्ट मिलने पर ही मेरा चैनल ग्रो कर रहा है और मेरे चैनल के साथ बने रहना। कोई किसी के टाइम की बदौलत, टाइम की कमी के बदौलत मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था, तो मैं ट्राई करूँगा वीडियो अच्छे अच्छे देने का। तो आप लोगों के सपोर्ट मुझे ज़रूरत है और आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो मुझे, वो भी पता है मुझे। तो इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और मुझे बताना मेरा वीडियो कैसा हुआ है। और कोई भी अगर क्वेश्चन हो रॉयल एनफील्ड हंटर की ऊपर तो मुझे ऑब्वियसली कमेंट करना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय।